बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि उनकी कोशिश होगी कि गिरती हुई मईशत को रोकें और उसकी समत दुरुस्त करें। पाकिस्तान चार साल से जिस भंवर से गुजरा है वो किसी से ढका छुपा नहीं। निजी टीवी के मुताबिक इसहाक डार का कहना था कि डॉलर की कीमत 240 रुपए नहीं है, डॉलर की कीमत 170-180 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक इंटरव्यू में साबिक वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान चार साल से जिस भंवर से गुजरा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्लाह का खास करम है कि जिस दफ्तर से निकलकर अपने मेडिकल के लिए लंदन आया था आज इसी दफ्तर में अल्लाह ने वापस बुलवाया है। इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में 2023 से 2017 तक में हम दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहे थे। कम तरीन शरह सूद थी और ग्रोथ रेट भी बुलंद थी, दीगर माइक्रो इंडिकेटर्स बेहतरीन और बुलंद सतह पर थे और ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर थे, पाकिस्तानी रुपया भी मुस्तहकम था। उन्होंने कहा कि कोशिश होगी गिरती हुई मुल्की मईशत को रोकें और उसकी समत दुरुस्त करें। इसहाक डार ने कहा कि मेरे खिलाफ 20 साल के टैक्स रिटर्न जमा न कराने का जाली केस था, मैंने कभी टैक्स रिटर्न जमा कराने में ताखीर नहीं की। वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ।